नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं कॉर्बिस। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, आज के टाइम पे लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्या कुछ फायदे आपको मिलते हैं अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है, और अंत में हम बात करेंगे पूरे रिन्यूअल प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एक तरह का एंटरप्राइज होता है जिसमें बिजनेस मैनेज ओन रन किया जाता है एक इंडिविजुअल द्वारा, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति बिजनेस को संचालित करता है, वही बिजनेस का मालिक होता है, कर्ता धर्ता होता है, और अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचता है मार्केट के अंदर। और जैसे एक अधिकार रजिस्टर्ड लीगल कंपनी को मिलते हैं, वही सेम अधिकार एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी इंजॉय करता है। अगर उदाहरण की बात करें तो ग्रोसरी शॉप है, केमिस्ट शॉप है, इसके अलावा फूड स्टॉल, जितने भी तरह के जो फूड बिजनेस रन कर रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। Why should one choose a sole proprietorship firm? दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात जब भी आती है तो इस बिजनेस को कहा जाता है कि बहुत आसान, सरल और साधारण तरीके से खोला जा सकता है, कि इसमें ज्यादा परेशानियां उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये आपके बजट के अनुसार चलता है, यानी आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, और सेल्फ जो कंट्रोल रहता है वो सिर्फ आपका रहता है, यानी एक सिंगल हैंड कंट्रोल, सिर्फ एक आदमी अपने बिजनेस को चलाता है, सदस्यों बीच कोई विवाद होने का भी झंझट नहीं रहता। इसके अलावा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का फायदा भी आप उठाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फायदे के बारे में। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का बिजनेस खोलने जा रहे हैं तो आप उसमें अपना पर्सनल एसेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप फंड है, लोन है, वो बोरो कर सकते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, बैंक की तरफ से, जो आपके काम को और भी आसान बनाता है। इसके अलावा फायदों के बारे में बात करें तो ये जो आपका बिजनेस है ये सिर्फ सिंगल हैंड कंट्रोल रहता है, यानी आप ही उसके मालिक होते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार उस बिजनेस को आगे बढ़ाते जाते हैं, जब भी आपका मन करता है आप बिजनेस को शुरू करते हैं, आपको उस बिजनेस नहीं समझ में आ रहा तो आप उस बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी ओनरशिप होती है वो आप अपने अनुसार किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा फायदों के बारे में और बात करें तो आप अपने टेक्निक, एक्सपर्ट स्किल और परफेक्शन की वजह से अपने बिजनेस को और बेहतर संचालित कर पाते हैं, और अगर बिजनेस के दौरान कोई लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है, यानी कोई तीसरा पर्सन नहीं जिम्मेदार होता है इसके लिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। पहले तो आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी है, दूसरा आपका पैन कार्ड, इसका उपयोग किया जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पे बहुत जरूरी माना जाता है, तीसरा बैंक अकाउंट डिटेल आपकी, चौथा ऑफिस एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी अगर जो आपकी बिजनेस है वो किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में हो रहा है, तो वहां के लिए रेंट एग्रीमेंट और NOC फ्रॉम लैंडलॉर्ड की तरफ से जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन आप कराने जा रहे हैं। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है जब एनुअल टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है और आपका बिजनेस वो ऑनलाइन रन कर रहा है। MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका बिजनेस सिर्फ एक राज्य में है और एनुअल टर्नओवर 20 लाख के नीचे है। लाइसेंस फॉर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत तब पड़ेगी जब एनुअल टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। फिलहाल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन की जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन भविष्य में अगर आप प्लान कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवाने का तो सीधे आप जुड़ सकते हैं कॉर्बिस के साथ, क्योंकि कॉर्बिस के पास एक ऐसी डेडिकेटेड टीम है जो पूरे लीगल प्रोसीडिंग के साथ, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ आपका काम और भी आसान बनाती है। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।